तारीखो मैं मनीष कोहिला पीजीटी ज्योग्राफी आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक क्रियाएं। देखिए, जब से मनुष्य ये धरती पर आया, कोई ना कोई उसने कुछ ना कुछ क्रियाएं की, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं निम्न प्रकार की है। नंबर एक प्राथमिक क्रिया, नंबर दो द्वितीयक आर्थिक क्रिया, नंबर तीन तृतीयक आर्थिक क्रिया, नंबर चार चतुर्थक आर्थिक क्रिया, नंबर पांच पंचम आर्थिक क्रिया। अब मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि भाई आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। मानव जो भी आय प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप करता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपनी इनकम बढ़ाने के लिए या अपनी आय करने के लिए कोई ना कोई क्रिया करता है जिसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब इनको हमने 6-7 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले है प्राथमिक, इसके नाम से ही जैसा लग रहा है प्राथमिक, यानी कि प्रथम पहले मनुष्य ने सर्वप्रथम जब इस पृथ्वी पर आया तो फिर जो जो कार्य किए क्रियाकलाप किए अपनी आय के लिए वे प्राथमिक क्रियाएं कहलाते हैं। उनमें ये निम्नलिखित है। नंबर एक संग्रह, नंबर दो आखेट, नंबर तीन मत्स्य, नंबर चार पशुपालन, नंबर पांच कृषि, नंबर छह वानिकी, नंबर सात खनन। अर्थात जो ये सातों क्रियाकलाप हैं इनको हम प्राइमरी एक्टिविटी अर्थात प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद है द्वितीय क्रिया, जो बाकी के आर्थिक क्रियाकलाप हैं ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको प्राथमिक क्रियाओं के बारे में ही स्पष्ट करूंगा। देखिए प्राथमिक क्रियाओं में सबसे पहले बताया मैंने आपको संग्रहण और आखेट। ये दोनों जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं हैं। अर्थात जब मनुष्य अपनी पहली स्टेज में था उसके पास न तो कोई साधन थे न किसी तरह का ज्ञान था। उस समय मनुष्य जंगलों में रहते थे पशु पक्षियों की तरह, तो जैसे वो उनको देखते थे वैसा ही कार्य उन्होंने करना शुरू किया। संग्रह और आके अगर मैं शिकार करना, सर्वप्रथम जो राज में शिकार किया फल फ्रूट इकट्ठे किए जंगलों से शहद वगैरह, तो वो जो है प्राइमरी एक्टिविटी में आए। उसके बाद है मत्स्य, मत्स्य का मतलब है मछली पालना या मछली पकड़ना। क्योंकि मनुष्य शुरू में तो उसको पता नहीं था कि कैसे पाली जाएगी, शुरू में प्राकृतिक जो स्रोत थे वहीं से जो है वो मछली पकड़ता था। जो मनुष्य पानी यानी कि समुद्र के किनारे या किसी झील के आसपास रहते थे उनका जो है मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप था मत्स्य। और जो जंगलों में पहाड़ों पर रहते थे उनका क्रियाकलाप था आखेट और संग्रह। उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया और वनों में इधर उधर देखा भी कुछ पशु जो है इस तरह के कि उन्हें हम पालतू बना सकते हैं, तो मनुष्य ने पशुपालन आरंभ किया। आज के युग में पशुपालन दो प्रकार का मानते हैं। नंबर एक चरवासी पशुचारण, नंबर दो वाणिज्य पशुचारण। जो वाणिज्य पशुचारण है वो मॉडर्न आज के जो आधुनिक समाज हमारा उसका है। जो हमारा प्रथम है चरवासी पशुचारण, वो हमारे आदिवासी
जो पशु पालते थे उसको हम चरवासी पशु चारण कहते हैं। अब चरवासी पशु चारण क्या होता है, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसकी चरवासी की जो है चरवासी 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 पशु चारण का मतलब है कि आदमी अपने साथ समूह में बहुत सारे पशुओं को पालते थे विभिन्न प्रकार के, और वो अपने भोजन पानी व चरागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे, इसीलिए इसे चरवासी पशु चारण कहा गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहना, किसलिए, पानी की तलाश में, पशुओं के लिए जो चरागाह होते हैं उसी तलाश में, यहाँ पर पशु कर रहे हैं, महीने में दो महीने में ये घास ये चरागाह खत्म होगी, इसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट होगी, इसी को ये चरवासी पशु चारण कहते हैं। आज के युग में भी कई जगह चरवासी पशु चारण का चलन है, जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोप, उत्तरी एशिया, मेडागास्कर इत्यादि देशों में आज भी चरवासी पशु चारण प्रचलित है। उसके बाद है कृषि। जब मनुष्य ने थोड़ा सा विकास किया, उसने पशुपालन के साथ साथ कृषि करना भी आरंभ कर दिया, उसने कुछ औजार पत्थरों से बनाए, जमीन को खोदा और कृषि स्टार्ट की। अब आधुनिक युग में कई प्रकार की कृषि है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद है वानगी। वानगी का तात्पर्य है जब मानव अपनी प्राथमिक स्टेज में था और जंगलों में रहता था, तो जंगलों से जड़ी बूटी इकट्ठी करना, शहद इकट्ठा करना, लकड़ी वगैरह चंदन की लकड़ी जंगलों में होती है, वो जंगल काट के ले आए और इधर उधर को शेयर कर दिया। तो वानगी का तात्पर्य है वनों से संबंधित जो क्रियाकलाप थे वो वानगी कहलाता है। उसके बाद खनन। जब मनुष्य को मानव को ये पता लगा कि भी इस धरती पर कुछ ऐसे तत्व हैं, जो ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, उनकी उन्होंने खोज की, जैसे भी कोयला है आधुनिक में, पेट्रोलियम है, पोटाशियम है, बहुत सारे खनिज हैं, तो उनको जो है अपने श्रम शक्ति से जमीन के नीचे से निकालना खनन कहलाता है। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, परंतु यदि कोई भी बात आपको समझ ना आए तो मेरे से दोबारा पूछें। धन्यवाद।